हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम आने वाले हैं एक डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे। ये 2 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 14 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 7 इंचेस, आर्म होल का पार्ट भी मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड कर लेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस और हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस। तो 20 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 12 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस पॉइंट को हमें नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हल्का सा शेप ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो 7 इंचेस लिया था हमने, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे एक मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। उसके बाद हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो हमने मार्किंग कर ली है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो बैक का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह का पार्ट हमने बैक के लिए कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूंगी यहाँ पे 14 इंचेस। तो 14 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारे ओपन साइड है वहाँ से हम 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करके स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और स्लीव्स की लेंथ मैंने ली यहाँ पे 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है, इस पार्ट को हमें कट करना है। स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है, हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे कट करने के लिए मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है अप्रॉक्स 16 इंचेस जितना। और यहाँ पे हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टॉप और बॉटम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा टॉप का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे एक जो हमारा बीच का पार्ट है उससे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस पार्ट में हमें पैटर्न करनी है। इतना हिस्सा मैंने मार्क कर लिया है जो सेंटर का पार्ट है उसमें। अब यहाँ पे हमें प्लेट्स लेनी है, तो एक सिंपल प्लेट्स हमें लेनी है इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना पार्ट हमने इस तरह से मार्क किया है वहाँ पे हम पैटर्न करेंगे। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको फोल्ड करके यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे हम इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई कर लेना है हमें। इस तरह की पैटर्न तैयार हो जाएगी यहाँ पे हमारी। ये आपको सब सब इक्वल डिस्टेंस पे रखते हुए करना है। आप चाहे तो यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी है, आपको बस सिंपल प्लीट्स लेते हुए सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से सेंटर से इसे लॉक भी कर लिया है और इस पार्ट को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम यहाँ पे रखेंगे, जो हमने ऑलरेडी कट कर लिया है उसे हम यहाँ पे, जो हमने पैटर्न की उसे हम सेंटर में रखते हुए इस पार्ट को रखेंगे और हमें बस इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम 15 इंचेस का रखेंगे, उस तरह से हमें इसे रखना है और उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो सबसे पहले आप चाहे तो इसे मार्क कर सकते हैं। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे, वो होगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है, इसकी लेंथ में रखूंगी 15 इंचेस। तो 15 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क करके यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी लेंथ हम रखेंगे 15 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने फ्रंट का टॉप पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए फ्रंट का बॉटम कट करने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2/4 में रखा हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे भी मैंने 2/4 में रखा है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें टोटल लेंथ लेनी है 48 इंचेस। 48 इंचेस में हम इससे मार्क कर लेंगे। और यहां से हम इसे कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ऊपर से हमारी इसकी लेंथ है 20 इंचेस, तो 20 इंचेस पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हम इस पार्ट को क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटम का पार्ट, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है, यहाँ से कट करके हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें स्लिट बनानी है जिसके लिए यहाँ पे हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले बेस फैब्रिक के लिए हमने इस तरह से इसी शेप और साइज में एक पीस कट कर लिया है। तो बेस का फैब्रिक मैंने जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसी में से कट कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड पे रखेंगे और उसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रख लेना है। आप चाहे तो कोई भी प्लेन फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसी फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है। तो इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें नेकलाइन में हमें सिलाई कर लेनी है, पूरा नेक में हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नोचेस लगाएंगे, ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए।
यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। बैक के नेक को तैयार करने के लिए मैंने नेक के शेप का एक स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई करेंगे। उसके बाद इसे बैक साइड पर आपको डबल फोल्ड कर लेना है। सिंपली इसे हम बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, तो हमारा बैक का नेक तैयार हो जाएगा। नेक को हमने इसे तैयार कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे हमें तैयार करना है। तो सिंपली इसे जो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था उसकी हमें बॉर्डर को सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। और यहाँ तक हम ऊपर से अप्रॉक्स 16 इंचेस तक मार्क करके यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। और उसके बाद का पार्ट हम ओपन रखेंगे। इस पार्ट को हम बैक साइड पर डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। और इसे भी हम इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक हमने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई कर लेना है। टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करते हुए शोल्डर फिटिंग करनी है। यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको स्लीव को ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह से राइट पार्ट के ऊपर आपको स्लीव को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई करते हुए स्लीव को ज्वाइन करना है। स्लीव को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव की बॉर्डर फोल्ड करनी है। सिंपली से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। दोनों के बॉर्डर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है और हमने इस तरह से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके इसमें 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे लेना है हमें वेस्ट साइज, तो वहाँ पे भी आपको हाफ करके 1 इंच ऐड कर लेना है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे आपको हाफ करना है और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद इस पॉइंट को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और इस तरफ भी हमें लेनी है 5.5 इंचेस। और उसके बाद हम इस पॉइंट को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। ऊपर से हमारी हिप्स की लेंथ थी 20 इंचेस, तो 20 इंचेस पर हम इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मिलेंगी यहाँ पे 20 इंचेस। यहाँ तक हमें इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ तक हमें इसकी फिटिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ से हम स्लीव को तैयार करेंगे। इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है नीचे तक। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो सिंपली इसे यहाँ पे भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे।
यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ से मैंने इसे मोती से डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली इसके साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।